हेलो, चलें जी आज हम करेंगे एक्सरसाइज। अस्सलामुअलैकुम। आज हो गया छुट्टियां मुबारक हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि दुआ करें कि और आगे हो जाए छुट्टियां, बाकी मुबारक हो। आज हम करेंगे 6B। 6B करेंगे। ले जी, रेहान ने मैसेज दे दिया है, रेहान हमारा शहजादा है। ठीक है, सही है सिक्स क्या? बी मुझे करेंगे। क्या ठीक है, बेसिक से सो बेसिक से करेंगे हम। ठीक है, लिखवाएं मेरा बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट जी 7 सेवन ओवर 6 है सिक्स ए प्लस 4 प्लस फोर ओवर ओवर 9 है। नाइन ए। अच्छा मेरा बेटा, एक चीज़ इसमें नोट कर लें कि आप कभी भी अनलाइक फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस नहीं कर सकते। फ्रैक्शंस में लाइक अनलाइक का फ़र्क ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो लाइक होती हैं, अगर ना सेम हो तो वो अनलाइक होती हैं। ठीक है, अब ये फ्रैक्शंस अनलाइक हैं। अब इसने हमने देखना फ़र्क कितना है। ए तो सेम है, फ़र्क किसका? सिक्स और नाइन का। आप इसका एलसीएम ले लें, सिक्स एंड नाइन, टू थ्री ज़ार सिक्स, नाइन एज इट इज, थ्री वन ज़ार एंड थ्री थ्री ज़ार नाइन एंड थ्री वन वन, सो टू थ्री ज़ार सिक्स, सिक्स थ्री ज़ार एटीन। इट मीन्स कि यहाँ पे हम एटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं इधर भी और इधर भी। ए को नहीं छेड़ना, ए सेम रहेगा वैसे। अभी हम इसको फिर एक बार रीराइट करेंगे, सेवन ओवर, हमेशा यही इसका लॉ रहेगा, चाहे ए है साथ चाहे नहीं है। अब सिक्स थ्री टाइम एटीन, ठीक है, अब उस तरफ नाइन हाउ मेनी टाइम्स? टू टाइम्स एटीन। ठीक है, अब लेकिन हम फ्रैक्शंस में ऐसा कर नहीं सकते कि हमने नीचे किया मल्टीप्लाई तो छोड़ दें इसको, हमें जो काम नीचे किया वही ऊपर भी। इस तरह करने से जो इक्वेशन बनती है वो फ्रैक्शन बनती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है वो। ऊपर भी फोर, टू टाइम एट हो गया। अब इसको हम सम अप करते हैं, सेवन थ्री जैट 21 ओवर 18 ए प्लस प्लस 8 ओवर 18 ए। अब देखें ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, आप कभी भी प्लस नहीं कर सकते, कभी भी माइनस नहीं कर सकते, कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन में अक्सर वो क्वेश्चन देते हैं कि बताएं फ्रैक्शंस में कौन सी लेस है कौन सी ग्रेटर है, आपने सिंबल रिप्लेस करना होता है जस्ट ये वाला। तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक वो लाइक ना हो, तो आप उसको लाइक बनाएंगे और लाइक हमेशा ऐसे ही बनाई जाएगी। इसके अलावा और क्रॉस करते हैं लेकिन प्रॉपर वे यही है। अब मेरा बेटा नीचे 18 हमारे पास आ गया, 18 एज इट इज़ यहाँ तक आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। 18 लिखे हुए और 21 प्लस आपने 8, 18 8 लिख दिया। ये करेक्शन करवाते जाना जहाँ मैं गलत लिखूंगा। अब 8 एंड 21, 29 आई बिलीव, 29 ओवर 18 ए, एंड दैट विल बी आर आंसर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मे बी उसने उसको चेंज किया हो उसको उसमें दूसरी फॉर्म में, लेकिन ये ठीक है, अब ठीक आ रहा है। लास्ट टाइम वो हमें किसी ने कहा था कि आपका एंगल ठीक नहीं है, अभी फर्स्ट क्लास एंगल आ रहा है। ठीक है ना, ऊपर से मेरे बाल भी आज बड़े अजीब आ रहे हैं ना, वो ज़्यादा छोटे हो गए। चलें जी, सर के लिए चॉइस क्या है? हाय, बी पार्ट 6B है ये। हाँ जी, बी पार्ट बी पार्ट मेरा बेटा क्या है? 3 और 2B 3 ओवर 2B प्लस टू बी प्लस 1 ओवर 3B वन ओवर थ्री बी माइनस माइनस 5 और 6B 5 ओवर 6B 6B। आप बता सकते हैं इसमें हम क्या करेंगे? सर इसमें हम नीचे वाले की फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्ट एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, बी पहले आपने अननोन देखना है, बी 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 ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नंबर्स का डिफरेंस है तो नंबर का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम 18 आएगा मेरे ख्याल से, है ना? चले फिर भी आपके लिए ले लेता हूँ। 6 आएगा। ओए ओए शहजादा हमारा इब्राहिम, है ना, इब्राहिम ऑफ कौन से अकेडमी वाला? रैबर्स अकेडमी वाला, रैबर्स द ग्रेट वाला। टू थ्री ज़ार सिक्स, ठीक है, थ्री टू ज़ार सिक्स और सिक्स वन ज़ार सिक्स, ठीक हो गया मेरे बेटे का। एलसीएम ले लूँ? टू था, थ्री था और सिक्स था, टू वन ज़ार थ्री एज इट इज़, टू थ्री ज़ार सिक्स, थ्री वन वन एंड वन, थ्री टू ज़ार सिक्स। इस तरह आप एलसीएम लेना भी सीख सकते हैं। हमने सिक्स प्रोड्यूस करना था इधर, इन सब डिनोमिनेटर्स के यानी सब के टेबल में सिक्स आता था, सिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। ठीक हो गया, सिक्स बी देखे ना, सारा सिक्स हो गया मुझे। सारे सिक्स की अभी एक दफा ही लिखते हैं। हाँ जी, ऊपर वाले सम कर ले जल्दी जल्दी मेंटली। सर 9, 12, 11, 16 कितना हो गया? 16 ओवर 6B। इसकी कटिंग भी हम कर सकते हैं आगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो काम है वो बच्चों वाला काम ही है, वो कर सकते हैं हम। उसके ऊपर हम कोई 2-3 सेकंड ज़ाया करेंगे तो इससे अच्छा वीडियो और आगे चलाते हैं, है ना? ठीक हो गया मेरे बेटा,
इसके अलावा अब इसके आगे बेटा क्वेश्चन देख मेरा पुत्र, सर जो करवाने वाला वही पार्ट करवाओ, है ना। एच हैं एच लिखवाएं पार्ट कौन सा? एच सर 3x 3x ओवर ओवर 4y 4y माइनस 2z 2z माइनस डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है ये, नीचे ही माइनस। अच्छा चलो माइनस लगा दिया, नहीं सर 4y ऊपर माइनस नीचे ही माइनस 2z। अच्छा फिर से लिखवाइएगा टू ओवर ओवर एन माइनस टू, एन माइनस टू आ गया, एन माइनस टू तो कोई बात नहीं, एन माइनस टू हाँ जी प्लस प्लस थ्री ओवर ओवर ब्रैकेट ब्रैकेट एन माइनस टू पावर टू। अब देखें जब भी दो चीज़ें सेम हो हमेशा बड़ी चीज़ एलसीएम होगी, इट मीन्स ये स्क्वायर है तो इधर भी अगर हम n माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टू ओवर n माइनस टू इंटू n माइनस टू नीचे भी और n माइनस टू ऊपर भी, स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं ना, n माइनस टू वो माइनस ही। अब देखें ये आ गया आपका टू n माइनस टू, हाँ वन से करते हैं आप, ठीक है। अब वैसे भी हम एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएं तो ना भी करेंगे तो हमें कोई इतना इशू नहीं होता, का स्क्वायर ठीक हो गया। अब इसको सम अप करते हैं, ये टू को अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू एन माइनस फोर प्लस थ्री ओवर एन माइनस टू का स्क्वायर। अब जरा सम अप करवा दे मेरा बेटा, टू एन माइनस वन ओवर एन माइनस टू का स्क्वायर, इसी के अराउंड आंसर होगा। आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन ही हो सकती है, सिंप्लीफिकेशन में क्या हो सकता है कि स्क्वायर खोल सकते हैं हम, ठीक है, और इसी तरह हम इसका साथ कोई खेल खिला नहीं कर सकते। तो उम्मीदन शदीदन यही आंसर होगा, ठीक है। वैसे आंसर्स के पीछे ना आप स्केल रख लो ताकि, कोई बात नहीं जिसका मर्जी करवा। ई पार्ट जी मेरा बेटा, इलेवन ओवर 3h माइनस सेवन प्लस टू ओवर, अपने से तो नहीं बड़ा बड़ा सवाल कराई जा रहा है, सिक्स माइनस फाइव एच। अब पहली बात तो यह है कि यहाँ पे हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अब इसका सीधा सोखा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर नीचे दोनों आपस में, प्रोड्यूस नहीं हो रहा इधर, किधर हम सेवन बनाए अब नहीं बन रहा ना, इसको उर्दू में जरबे चिली पाई बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं अकेडमी में जरबे चिली मिली, प्रॉपर वे है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उर्दू में इसको जरबे चिली पाई बोला जाता है, मतलब पूरी टर्म है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे बना नहीं ना पा रहे हम, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि क्रॉस कर दिया इस टर्म को इधर, इस टर्म को इधर, और नीचे दोनों को आपस में, और ये जरबे चिली पाई वाला आप हर जगह पे लगा सकते हो दो अगर हो तो, ठीक है। लेकिन बाजूकात ये होता है कि ये टेबल और वो टेबल सेम नंबर में आ रहे थे, बना सकते हैं हम, मतलब जैसे यहाँ टू होता उधर थ्री होता था, दोनों को सिक्स बना लेते। अब ये बन नहीं रहा मसला, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं ना सुना, देख ले सुनाया तुझे यार, ठीक है। जरबे चिली पाई वो आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो आप ज्यादातर इस तरह के सीन में करते हैं, थ्री ओवर फोर इज इक्वल फाइव ओवर सिक्स, ये इधर जहाँ मल्टीप्लाई होता है ये इधर, वो फर्क है ये फर्क है। तो अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इलेवन इंटू सिक्स माइनस फाइव एच, नहीं 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 हम इसको कहते हैं वो उर्दू में इसको जरबे चिली पाई बोलते हैं ना, वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे दोनों आपस में, अब करवा मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाली, ऊपर की होगी 66 माइनस एच प्लस 14। ये इसकी बात है, मतलब जब से इसने ये चीज़ सीखी है इसकी कभी गलत नहीं हुई ये चीज़, नीचे वाली मुझे नहीं लगता कि इसको याद हो। हाँ ये वाला कैसे करो मल्टीप्लाई, थ्री एच ब्रैकेट सिक्स माइनस फाइव एच, शहजादा 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 वाकई। अब पहले का मुझे नहीं पता इसको आता था कि नहीं, लेकिन मैथ्स इसके ऊपर इसके
छा गई हुई है थ्री कि एच थों ब्रैकेट 3 एच करवा रहे हैं। नहीं अच्छा ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई करा रहा है, हाँ ऊपर वाले सम अप करवा दे पहले। सर अच्छा पहले सिक्सटी हो गया सिक्स माइनस 14 -14 हो गया 55 52। तेरे पे बिलीव करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 55 ये माइनस करें, 6 माइनस करो 49, 49 एच। अब नीचे वाला मेरा बेटा करवाओ। सर थ्री है ब्रैकेट थ्री एच मल्टी ये इसको इसको 3 6 18 18 एच हाँ माइनस माइनस 15 H2 हाय हाँ, हाँ जी माइनस हाँ 42 42 प्लस 35 एच। अब इनको भी लाइक को कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ ना कुछ हमारा आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। और अगर इसमें भी अगर आपको किसी को देखने वाले को बंदे को लगे कि इसमें कोई गलती है तो आप माशाल्लाह मेथडोलॉजी फॉलो करें तो करेक्शन कर सकते हैं आप। इसमें हम कोई दावा नहीं करते कि ये हमने कर दिया। अब नीचे वाले कलेक्ट करवा। 53 क्या 53 एच 53 H 53 कैसे हाँ 53 H ठीक हो गया जी, गलती हो गई हमसे। अच्छा इसको नहीं है स्क्वायर बोलता कभी भी 42। अच्छा अभी या इसमें से हम ये सीन कर सकते थे कि इसका अगर हम बना लेते फैक्टराइजेशन कर सकते थे, लेकिन वो हमारा लंबी चौड़ी स्कीम चल पड़नी है, वो पेपर से ही करी जाके पीछे फैक्टराइजेशन वगैरह। ठीक है तो सान सवाल लिखवा, ये बदले ले रहा है इब्राहिम हमसे, है ना। चल मेरे बेटा आगे वाला, ऊपर वाले ऑर्डर वाइज करवा लेने थे। हाँ ओवर थ्री एक्स वन ओवर थ्री एक्स ओवर फिर से लिखवाना, वन ओवर थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स हाँ जी ओवर हो फिर ओवर हाँ जी बड़ा ओवर मैंने ओवर देखा टू ओवर एक्स हाँ ये ऊपर वाले भी लिखवा इधर क्या है प्लस टू ओवर। अजीब लग रहा है क्वेश्चन है ना, लेकिन कुछ भी नहीं ये अब हम बना नहीं सकते तो क्रॉस करते हैं इसको मरली। ज़्यादा बेहतर ये है कि हम क्रॉस करें इसको और जेड़ा भी सवाल है, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर नीचे दोनों आपस में, और इस डिवाइड की जगह हम डिवाइड दूसरा लिखेंगे, फिर ये आपके लिए क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। वन ओवर थ्री एक्स वैसे इसके ऊपर अभी हमें दो चीज़ें और देखनी पड़ेंगी, वन ओवर थ्री एक्स प्लस टू ओवर एक तजर्बा कर लेते हैं डिवाइडेड टू ओवर एक्स, ठीक हो गया। वन ओवर थ्री एक्स प्लस टू ओवर वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर टू। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे जहाँ तक लगता है डोमैस फॉलो किया जाएगा, मल्टीप्लाई पहले होना चाहिए था है ना, लेकिन करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और वो बाद में करेंगे। लेकिन अपने कट गया वही तो बता रहा हूँ, ये एक्स इसके साथ हाँ वो प्लस हो रहा है नहीं कटेगा उसके साथ, ठीक हो गया। ये आ गया 3x। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 1 over 3x plus 1x क्या हो गया, तभी ऐसे गया कि x over y आ गया, ठीक हो गया। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, y plus 3x square over 3xy ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर नीचे दोनों आपस में, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको नहीं पहले किया, मैंने उसके अकॉर्डिंग मतलब लॉ अप्लाई किया है तो, लेकिन अभी देखना पड़ेगा इसको भी हमें। तो ये आ गया 3x square plus y over 3xy, आंसर चेक कर, मुझे नहीं लगता ये हो, जल्दी जल्दी क्विकली सही चेक करी और आंसर भी उसको इसको क्वेश्चन ही नहीं पता कौन सा एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन था। हाँ हाँ हैं क्वेश्चन चेक कर ले फिर से। नहीं नहीं कट क्यों, चेक करेंगे हम अभी इसको देखेंगे ना, और कौन सी एक्सरसाइज भी चेक कर लेना। क्या आ रहा है हमारे पास, वाई प्लस सिक्स एक्स सिक्स थ्री वाई सिक्स वाई कहाँ से आ गया इसमें नहीं ठीक है सवाल उसके अकॉर्डिंग, ठीक है देख ले फिर भी क्वेश्चन। अगर कटिंग ना करें फिर शायद नहीं, कटिंग करके भी हमारी तो बन रहा है, हमारी तो कटिंग हो रही है। वन ओवर थ्री एक्स हाँ प्लस टू ओवर वाई
हाँ ओवर टू ओवर एक्स। चलो ऊपर सॉल्व करते हैं, जिस तरह मतलब ये इधर मल्टीप्लाई प्लस 6x, ठीक है, ओवर 3xy ओवर 2 ओवर एक्स। अब देखो ये डिवाइड हो रहा था, इसको डिवाइड लगाते हैं जैसे इधर लगाया था हमने, तो ये आ गया वाई प्लस 6x ओवर 3xy इंटू सॉरी डिवाइड। अब वो आ रहा है, अब आएगा 100%। एक्स ओवर 2, ये काट गया, इससे नीचे मल्टीप्लाई हो ठीक गया हो गया। वाई प्लस सिक्स एक्स 6x ओवर सिक्स वाई। लेकिन अगर हम इसको इस तरह चेंज करते हैं तो ये पहले डिवाइड होता है मैथमेटिक्स में हमेशा। हाँ अच्छा कट वाला सीन नहीं होगा। नहीं, कट वाला सीन क्यों होगा, हम अपने तजर्बे के तौर पे वो कर रहे थे और लाइव ही कर रहे थे, हम उसको ऐसे ही कर रहे थे कि मैथमेटिक्स यही कहता है कि ये डिवाइड है तो डिवाइड पहले होगा प्लस बाद में होगा, लेकिन इन्होंने उसको छेड़ा है, तो अब हम इसके ऊपर कोई सेम तबसरा एडवांस लेवल है। नहीं, एडवांस लेवल लॉस को तो नहीं ना करता डिस्टर्ब, एडवांस लेवल का ये मतलब नहीं है कि वो लॉस को, मैथमेटिक्स के लॉस हमेशा यही रहेंगे, मतलब जिसने एक चीज़ फैक्टराइजेशन सीखी है तो थ्रू आउट वही रहेगी। अच्छा मेरा बेटा अगले पीछे इसको बंद करके 4C4D पे चले, चले बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि फोर 4C4D की, चले चल फोर फोर सी।